एवरेज पीनेस साइज कितना है इंडिया uh, का इट्स अराउंड फ्लेवर्ड कॉन्डम्स दे आर नोन फॉर ओरल जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को पेनिट्रेशन के लिए यूज करते हैं विच इज नॉट गुड इन्फेक्शन हो सकता है लड़की को. ये so, to so, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ये तो और फास्ट हो गया. में बहुत है फर्क क्या है हुकअप कल्चर का तो एक ये है ही चांसेस वेरी हाई की डिजीज कैरी करो तंत्रा का एक मेन चीज है दे डू से वेरी बैड एग्जाम्पल बट ये स्कूटिंग होता है ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है

क्या करना चाहिए टू हेल्दी सेक्स लाइफ टू मेंटेन अ हेल्दी सेक्स लाइफ ये जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है इट्स वेरी इजी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत छोटी मोटी चीजें करनी पड़ती है यू नो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वन यू हैव कंसेंट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो यू प्रोवाइड दैट स्पेस टू ईच अदर टू बी वालनरेबल कि आप आपकी खामियाँ भी दिखाओ और आप आपकी अच्छाइयाँ भी दिखाओ और ये सारा सारी चीज़ें बिल्ड uh, होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट सो देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आई वुड वॉन्ट टू टेल कपल्स दैट नंबर वन पहली बात तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल लाइक स्टॉप कंपेयरिंग योर पार्टनर विद सम अदर पर्सन क्योंकि आपके पार्टनर में अगर आपको कोई खामियाँ लग रही है और सामने वाले में अगर आपको अच्छाइयाँ दिख रही है hmm. तो आपके पार्टनर में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और सामने वाले में भी वो खामियाँ हैं सो राधा फोकस ऑन दोज यूनिक क्वालिटीज़ हो सकता है कि आपका पार्टनर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो या ज़्यादा सपोर्टिव हो या यू नो ऐसे ही uh, बहुत ह्यूमरस हो यू नो सो उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए एंड स्टॉप कंपेयरिंग नंबर वन नंबर टू वुड बी दैट कम्युनिकेट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है बहुत कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जितना इजी साउंड करता है उतने ही लोग बात नहीं करते ऊपर hmm. से सब बात करेंगे अंदर की बात कोई नहीं करता जी. है सो ऑलवेज आस्क योर पार्टनर की व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल एक्टिविटीज उनके डिज़ायर्स क्या है hmm. उनके वांट्स क्या है क्या कोई कुछ ऐसी चीज़ें कि जिससे करने से उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा hmm. या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें परेशान करिए कि उन्हें नहीं चाहिए कि मत करो जी

प्लस यू विल हैव गुड स्टैमिना जो आपको हेल्प करेगा सेक्स पोजिशन्स में और इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू इन द बेडरूम इट इज़ ओनली गोन टू हेल्प यू बिकॉज यू विल हैप्पी एंड यू यू नो जब हम वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेस इतना नहीं होता है एंड प्लस ओजस और लिबिडो भी मेनटेन होता है कि यू you नो know, आपको और सेक्स करना है जी यस नंबर फोर वुड बी दैट इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन यू टू हजबेंड एंड वाइफ में या गर्ल फ्रेंड एंड बॉय फ्रेंड में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज रीच आउट एंड टेक सम हेल्प गो टू अ काउंसलर थियोरापिस्ट एन एंटमेसी कोच या प्रोबेबली आई मीन वॉट एवर वर्कस इन योर फेवर मैरिज काउंसलर क्योंकि मैंने देखा है कि इट रोली हेल्प्स दे हैव दो ट्रिक्स एंड थिंग्स वेर एंड यू नो दे माइट वॉन्ट टू ट टूगेदर दे माइट वॉन्ट यू टू सेट टूगेदर एंड वर्क ऑन इट या hmm. कुछ और चीजें हो सकती है बट वो हेल्प करती है जी. वो चीजें और बहुत बार कपल्स उनके दिमाग में या माइंड में जो भी चलता है वो शेयर नहीं करती एक दूसरे से बट एक थर्ड पर्सन के पास जब जाता है तो वो ओपनली बता पाते हैं सो इट हेल्प्स जी पर आपने कितना सही पॉइंट उठाया यहाँ पे खुशबू की कहीं बार सेक्स को हम सिर्फ एक पेनिट्रेशन की तरह देखते हैं कि अगर सेक्स करना है मतलब थी अल्टीमेट थिंग पेनिट्रेशन हो गया तो सेक्स खत्म पर लॉन्गर रन के लिए हेल्दी नहीं है राइट? नहीं नहीं नहीं, नहीं प, लोग एक्चुअली यही समझते हैं कि सेक्स इज ऑल दैट यू नो सेक्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं सम डेज इट कुड बी ओनली अबाउट टचिंग सम डेज इट कुड बी ओनली अबाउट यू नो सिटिंग एंड हैविंग अ वेरी डीप कॉन्वर्जेशन दिस इज़ अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड दैट ट्राई टू बिल्ड योर इमोशनल इंटमेसी दिस इज़ अनदर थिंग क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आपने सही बोला कि अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है हम जी. इतने गोल ओरिएंटेड हो गए हैं अगर हम सब साथ में भी बैठते हैं तो भी फ़ोन में ही लगे होते हैं बिल्कुल खाना भी खा रहे है तो भी फोन में ही लगे हुए सोने से पहले भी रील्स चालू है हम मेल्स चेक करेंगे बॉस की बातें मान लेंगे दोस्तों की बातें मान लेंगे पर हम अपने पार्टनर से नहीं पूछेंगे कि आपको इमोशनली कैसा लग रहा है सो इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड कीजिए एक दूसरे से डीप कॉन्वर्जेशन कीजिए इतना वालनरेबल स्पेस क्रिएट कीजिए एक दूसरे के आसपास कि आप बैठ के रो भी सको दैट यू नो

शहर है अब आ, स्ट्रेस बहुत है आ, इसके लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके निभाते हैं जैसे कुछ हो गया कुछ लोग सम पीपल गो फॉर स्मोकिंग दे फील कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है सम पीपल गो टू एल्कोहल और कुछ लोग आज एक नया मैंने चलन देखा है यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा स्पेशली जो है वीपिंग अब इनका आपके सेक्स ड्राइव पे कुछ इम्पैक्ट है यस yes. बिल्कुल है uh... एनी थिंग दैट इज़ डन इन मॉडरेशन इज स्टिल ओके मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो uh, सही है इट इज़ ओके बट अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो इल बी बेटर बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ कंजम्पन ऑफ अल्कोहल और इवन स्मोकिंग वीपिंग कहीं ना कहीं स्पेशली मेन में आपके ना लिबिडो लेवल्स इम्बेलेंस हो जाते हैं और विमेन hmm. भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस करती है hmm. और लॉन्ग रन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की भी चांसेज है कहीं ना कहीं हैम्पर करता है अगर वो हैम्पर हो गया है यू वुड नॉट डू इट सो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल डेफिनेटली अफेक्ट करता है hmm. कि आप कैसे आपका ना सेक्सुअल लाइफ को आगे लेना चाहते जी. हो या बढ़ाना चाहते हो hmm. एंड प्लस हम ये चीज़ें कर रहे हैं इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल्स भी उतने हैं सो इमेजिन वो कितना अफेक्ट करेगा इनफैक्ट फर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करेगा मेन में सो यू ट्राई एंड अवॉइड इट एंड मॉडरेशन में करो अगर आपको करना ही है तो बट द बेस्ट वुड बी दैट यू कम्प्लीटली शटेड ऑफ वंस इन वाइल इज एब्सोलूटली ओके ठीक है बट नॉट एवरी डे और नॉट यू नो यूर डूइंग चार बार हफ्ते में कर रहे हो नो आई वु रोली

जी एक और प्रॉब्लम है जो बहुत लोग रूम के अंदर डिस्कस करते हैं हाउ टू लास्ट लॉन्गर ये सवाल ज्यादा करके मेन को परेशान करता है वेमेन को नहीं यू नो uh, you know, उनको लगता है कि लाइक दिस आई थिंक कम्स फ्रॉम पॉन एंड आई थिंक गाइज भी जब एक दूसरे से जब ये बॉयज टॉक करते दे जस्ट एग्जैजरेट कि जो भी एक्सपीरियंस है उसको इनटू टू करके कैसा हुआ सो <laughs> right. so, ये सवाल मैन yeah. के लिए आता है आई वुड से दैट इफ़ यू वॉन्ट टू लास्ट लॉन्गर इन बेड गो वेरी स्लो गो वेरी वेरी स्लो Uh, आपका पेस बहुत स्लो चाहिए ना ये कोई रेस नहीं है mm. uh, आप ऑफिस में कहीं रेस की तरह नहीं लगा हुआ है कि अब आप आपको स्टार्ट करना और फिनिश लाइन पे पहुंचना ही है mm. ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल आप स्लो सेक्स uh, में या स्लो इंटमेसी में आप बिलीव uh, करो एंड स्टार्ट लाइक दैट अनदर टेक्निक वुड बी दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज एजिंग सो एजिंग इज बेसिकली दिस इज़ फॉर मैन कि इजैक्यूलेशन से बिल्कुल पहले मतलब ऑर्गेजम जब हो रहा है उसके बिल्कुल पहले यू हैव हैव टू टू स्टॉप यू मेक श्योर कि इजैक्यूलेट नहीं हो रहा है एंड और जब आप वो प्रैक्टिस करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन इवेंचुअली आप आपका सेक्स टाइमिंग भी बढ़ाते हो एजिंग से वी हैव हैव ब्लेस्ड टू मल्टीपल ऑर्गेजम बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है कि अ लॉर्ड ऑफ वूमेन डोंट अचीव ऑर्गेजम दे स्ट्रगल टू रोली अचीव ऑर्गेजम इनफैक्ट ऐसे कितने सारे वेमेन भी है स्पेशली फ्रॉम टेय टू एंड टे थ्री सिटीज़ जिन्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि ये एग्जिस्ट करता है और गैज़म होना जी बट लड़कियों में टेंडेंसी बिल्कुल है कि केवल मल्टीपल गैज़म अचीव कर सकती है और लड़कों में नहीं है लड़कों को प्रैक्टिस करना पड़ता है बट ऑबियसली विमेन की ये बैरियर्स तब आते हैं आइधर जब उनको पता नहीं है या सेक्स के बारे में उनके विचार कुछ यू you नो know, अजीब है hmm. या उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ है hmm. या कोई बैरियर्स है या पास्ट एक्सपीरियंस है इट डिपेंड्स ऑन दैट बट येस वीमेन डू हैव अ टेंडेंसी टू हैव मल्टीपल ऑर्गेजम पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पास्ट एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी एक लड़की के साथ अगर पास्ट में सेक्शुअल एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है hmm. सो वो आने वाले सेक्शुअल एक्सपीरियंस पे अफेक्ट कर सकता है hmm. So, you know, अगर वो उसे सता रहा है या yeah. yeah, वो वेट भी नहीं हो, हो सकती है सो hmm. so, ऐसे टाइम पे इट्स इम्पोर्टेंट यू नो टू काउंसलर जी बहुत लोग बोलते हैं बहुत लोग बात करते हैं पर हमने देता में भी देखा हुआ या या आई वुगर देट इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेजम गैप दैट इज़ बेसिकली मैन कैन अचीव ऑर्गेजम बहुत जल्दी जी पर वेमेन नहीं कर पाती है पर डेटा ये बताता है दैट वेमेन कैन अचीव ऑर्गेजम फॉर एग्जाम्पल वन इज़ दैट अगर वो सेल्फ प्लेज में इंडल्ज होती है खुद को सेटिसफाई कर रही है या खुद को टच कर रही है मास्टरबेट कर रही है तब वो तब चांसेज बिल्कुल हाई होते हैं ऑर्गेजम अचीव करने के नंबर टू इफ शी इज़ हैविंग सेक्स विथ अ पर्सन शी इज इन लव विथ जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हो पाती है hmm. फिर भी हाई चांसेस है कि वो ऑर्गेजम अचीव करे नंबर थ्री स्टडीज ये भी बताती है कि अ वुमेन हैविंग सेक्स विथ अनदर वुमेन कैन ऑल्सो मेक अर ऑर्गेजम विच अगेन सेज दैट योर पीनज साइज डज नॉट मैटर या एंड नंबर फोर इज दैट मोर देन पेनीट्रेशन लड़कियों को ज़्यादा सेटिस्फाई तब लगता है जब क्लिटरस को स्टिमुलेट करते हैं क्योंकि क्लिटरस इज वॉट इट इज़ लाइक अ स्मॉल टाइनी पावर हाउस जिसमें जिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होते हैं अगर उसे स्टिमुलेट करेंगे तो वो अचीव ऑर्गेजम अचीव ज़्यादा कर पाती है कंपेयर टू पेनीट्रेटिव सेक्स लड़कों के लिए इट्स पेनिट्रेशन बट लड़कियों के लिए इट्स नॉट दैट सो दिस इज द ऑर्गैजम गैप एक लड़का और लड़की के बीच में है सो इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो टेक हर टू दैट ऑर्गेजमिक लेवल नंबर वन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वूमेन कैन अचीव ऑर्गेजम इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हर माइंड सेट सिचुएशन वो कहाँ से आई है uh, कितनी ओपन है कितनी एक्सेप्ट कर पा रही है सारे सिचुएशन को नंबर hmm. टू अगर आपको उनका पूरा एक्सपीरियंस प्लेजरेबल करना है देन डेफिनेटली फो प्ले आपको करना पड़ेगा जस्ट गेटिंग टू दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इट्स द बेस ऑफ लाइक एवरीथिंग क्योंकि लड़कियों को स्लो सेक्स अच्छा लगता है mm -hmm. मैं ये नहीं बोलती कि आपको इंटेंसिटी बाद में बढ़ानी नहीं mm -hmm. है पर अगर मैं अगर आपको बता भी दूं ना कि इंटेंसिटी ग्रेजुअली आप इंक्रीज करो आप पाँच मिनट में कर दोगे गो स्लो है ना ट्वेंटी मिनट्स के बाद यू इंप्रूव आ, यू वर्क ऑन द इंटेंसिटी बट फोर प्ले कुड बी सिंपली यू नो जस्ट सेटिस्फाइंग द वुमेन फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं बोलूँ तो वाई नॉट फोकस ऑन किसिंग हर एंटायर बॉडी राधर विच ऑल्सो इंक्लूड्स ओरल प्ले करेक्ट बट फोर प्ले के बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं जैसे कि अब मैंने बोला कि वाई नॉट फोकस ऑन किसिंग हर एंटायर बॉडी आप जैसे उसके ब्रेस्ट को देखते हो वाई नॉट सी हर हैंड्स लाइक दैट वाई नॉट सी हर बैक लाइक दैट वाई नॉट सी हर लेग्स और फीट लाइक दैट यू नो ट्रीट एवरी थिंग इक्वली मेक लव एंटायरली इट मेक्स अ डिफरेंस ये नहीं तो वाई नॉट लिक हर एंटायर बॉडी यू नो दैट इज अ पार्ट ऑफ फो प्ले वो भी कर सकते हैं या इफ नॉट दैट दैन समम्स यू कैन ऑल्सो इंडल्ड सर्टन थिंगज योबली फेदर फेदर टच या मोर पंक्रुज या वो yeah. कर सकते हैं सो फोप्ले के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपका वो कि सेट पैटर्न नहीं है कि ऊपर से नीचे आ गए एंड पेनिट्रेशन हो गया और खत्म हो गया या एंड फोप्ले से क्या होता है जब आप स्लोली ये सारी चीज़ें करते हो फोप्ले हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आल्सो टेक्निकली नंबर वन इट रिलैक्सेस योर मसल्स ओके ठीक है आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है hmm. जब आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है तो आपके जेनिटल्स के पास भी ब्लड सर्कुलेशन पुश हो रहा है इससे अराउजल फील होता है मोर डिजायर फील होता है अ पर्सन इवन अ मैन वुड वांट मोर ना दैट पर्सन वुड क्रेव मोर कि यार और चाहिए विच विल अल्टीमेटली मेक हर वेट नेचुरल ल्यूप्रिकेशन भी आ जाएगा या सो फो प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लड़कियों के लिए फो प्ले मैटर करता है अगर आप नहीं mm. करोगे तो हम सोचेंगे कि यार हमारे यू you नो know, हमारे नीड्स के बारे में कौन नहीं सोच रहा है यहाँ पे ऐसे

देन इट्स ओके कि आप बिना कॉन्डम के उनको यू नो ओरल सेक्स दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो पर अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या आपके ये जस्ट एक कैजुअल सेक्स वगैरह है तो यार कॉन्डम्स मिलते हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स दे आर नोन फॉर ओरल सेक्स बट आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को पेनिट्रेशन के लिए यूज करते हैं विच इज नॉट गुड इन्फेक्शन हो सकता है लड़की कोस जो नॉन फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं दे आर फॉर पेनिट्रेशन। बाकी चॉकलेट वेनेला ये वो दैट या क्योंकि उसमें हाँ क्योंकि उसमें आर्टिफिशल स्मेल फ्लेवर कलर्स यूज किए जाते हैं जो नॉन फ्लेवर्ड में नहीं होते हैं तो नॉन फ्लेवर्ड आर फॉर पेनीट्रेशन प्लीज स्टॉप यूजिंग फ्लेवर्ड कॉन्डम्स फॉर पेनीट्रेशन Oh, क्योंकि उससे इन्फेक्शन so हो सकता है सो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर फॉर ओरल सेक्स अगर वो यूज करेंगे तो फिर इल बी गुड बिकॉज हमें नहीं पता कि सामने वाला पर्सन क्या हिस्ट्री लेके आ रहा है जी. क्या इसमें इन्फेक्शन है हमें hmm. वो नहीं पता और लड़कियों के मामले में कॉन्डम्स मिलते हैं बट आपको यहाँ पे डेंटल डैम्स यूज करने हैं रादर डेंटल hmm. डैम्स आप नॉर्मल कॉन्डम का भी बना सकते हो जस्ट एक अ कॉन्डम tear it make a square of it hmm. place it on her vulva hmm. and then you can do, give her oral hmm. वैसे भी कर सकते हैं और oral के वक्त I would also suggest a lot of people that while fingering one either you wash your hands mm. या second use gloves अच्छा हाँ यूज ग्लव्स वो भी एक एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ना आप वगैरह से दूर हो और hmm. आप प्रिकॉशंस लो जी एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर ये हंड्रेड परसेंट हेल्प नहीं करेगा बट जस्ट अ प्लस प्रिकॉशन दिस इज ये तब करना चाहिए जब आपने बाकी प्रिकॉशंस लिए हैं अगर आपने ओरल सेक्स वगैरह किया है दिया है ऑलवेज यूज़ बिटाडाइन गागल इमीडिएटली वो आपको एस टी आई से नहीं बचाने वाला है जी। उस सब चीज़ों से नहीं बचाएगा hmm. पर जो भी ओवरऑल बैक्टीरियाज रहेंगे उस टाइम hmm. पे आप गागल करें आफ्टर ओवरऑल सेक्स इट विल हेल्प दोस फ्लश आउट बट ये आपको डेफिनेटली ये कहीं पे नहीं है कि वो आपको एस टी आई से बचाने वाला है it's oh, just okay. a precautionary step mm. that can be done mm. sure what i would want to say is here yeah, that a lot of females abhi bhi wo katrati hai, uh, to really give blow job to the, to the partner yeah to mm. the partner mm. uh, that really depends on नंबर वन यार कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि पीनस है यू नो mm. लड़कियां अदरवाइज सोचती है पीनस के बारे में दैट ओ इट्स यक इट्स डार्क इन कलर और कहीं ना कहीं ये भी सच है कि बहुत सारे मेन को नहीं पता है हाउ टू मेनटेन हाइजीन इफ़ यू वॉन्ट अ गुड ब्लो जॉब आपको आपके पार्ट्स को क्लीन रखना पड़ेगा और स्पेशली राइट बिफोर ओरल सेक्स इफ यू नो कि अगर आप उसमें इंडल्ज करने वाले हो गो एंड क्लीन इट एंड बिफोर दैट ऑल्सो इट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा ही उसे क्लीन कर रहे हो एक दिन की सफाई कुछ उसको चमचमाने नहीं वाला है जी, जी, जी. है तो ना कंसिस्टेंट यस यस कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए और लड़कियों के लिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको ब्लो जॉब देना नहीं पसंद है यूज कॉन्डम्स इट विल हेल्प यू टू स्टार्ट ऑफ विद्या एंड लेटर इवेंचुअलीटूट जी जी uh, क्योंकि हम हाइजीन की बात कर रहे हैं ऑफकोर्स सोप्स एंड एवरीथिंग इज डेर फॉर योर रेगुलर हाईजीन बट इफ़ यू हैव टू सजेस्ट कि आपको अगर अपने प्राइवेट पास का हाइजीन मेनटेन करना है फॉर मैन एंड फॉर वुमेन बोथ क्या करना चाहिए नंबर uh, वन थिंग वुड भी मैं पहले बताऊंगी कि कोशिश कीजिए कि आप पानी से ही क्लीन करो hmm. और सोप भी अगर आपको यूज करना है तो बिल्कुल माइल्ड सोप यूज करो ना जो ज्यादा सेंटेड नहीं है जी. जो बिल्कुल बेसिक सोप है उससे आप उसे क्लीन वगैरह कर सकते हो एंड आफ्टर क्लीनिंग ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसे ना uh, किसी ड्राई क्लॉथ से डैम्प करके उसे ड्राई कर रहे हो डो नॉट वेयर योर वे डायरेक्टली इफ़ यू आर हेडिंग आउट सम वे योर एंड दे तो फिर उस क्योंकि वह मॉइस्चर उसमें ट्रैप रहेगा या हुँ. अगर आप पी करने में जाते हो लेटर यू नो एंड इफ यू आई मैन पी करते हो एंड देन यू पुट वॉटर एंड क्लीन इट उसके बाद भी मेक श्योर देट एटलीस्ट टिशू से थोड़ा उसे यू नो टैप कर जी, हाँ करके उसे आप ड्राई रखो उस एरिया को जी.

जिसको समझ में नहीं आ रहा है जिसके लिए वो ओडर नॉर्मल है बिकॉज इट्स स्मेलिंग एवरी डे वो सोचेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया है बट द वन हु इज मेंटेनिंग हाइजीन उसको लगेगा दिस इज सच अ टर्न ऑफ मुझे नहीं करना है लेट्स जस्ट शट इट जी जी ऐसे दिस आल्सो मेक्स मी बिकॉज हम वापस हाइजीन की बात कर रहे हैं तो कई बार वाइल यू टॉक अबाउट लुकिंग एंड लुक एंड फील ऑफ विद प्यूबिक हेयर ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैर जो लोग कहते हैं कि यारीपल से नो आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल विथ इट एंड समीपल रेड इेयर ऑल्सो दैट इट्सली गुड फॉर योर जेनेटर एरिया सो यस वॉट इज दिस मिथ अरायर सो सी नंबर वन इट्स अ पर्सनल चॉइस जी कि अगर आपको प्यूबिक हेयर रखना है नहीं रखना है hmm. uh, अगर आपको प्यूबिक हेयर नहीं रखना है ओके वेल एंड गुड अगर आपको रखना है तो आप एटलीस्ट मेक श्योर दैट यूर क्लीनिंग इट एवरी डे ऑब्वियसली प्यूबिक हेयर का होना कोई बुरी बात नहीं है इट इट एक्चुअली सेव्स यू फ्रॉम फ्रिक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन योर स्किन एंड अंडरवेयर और वाइल्ड पेनिट्रेशन या कोई यू नो एक्सटर्नल बैक्टीरियाज वगैरह होता है तो वो हेयर उसे ट्रैप भी कर लेते हैं बट जस्ट मेक श्योर कि आपका प्यूबिक हेयर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो गया है ट्रिम लिए। लिए। yeah, yeah. It, yeah. ट्रिम इट बट थोड़ा सा करके उसे रखो दिस इज माई पॉइंट ऑन दिस एंड ऑल्सो मुझे ये भी बोलना है कि प्यूबिक हेयर का होना भी बहुत लोगों के लिए टर्न ऑन है अच्छा हाँ hmm. कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्यूबिकयर है बिल्कुल पसंद इ टर्न ऑफ बट देर आर ऑल्सो अदर से टर्न ऑन है

previously but hmm. she was no this is wrong वही बात हो गई ना कि आप तभी क्यों नहीं है वो हाँ हां uh, आप थे तभी एंड नाउ इफ शी इज गुड एट इट इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली राइट सो फिर सो so, ये ऐसा होता है hmm. पर टॉकिंग गोइंग बैक टू द टॉपिक कि लड़कियों को स्लट शेमिंग किया जाता है hmm. तो यहाँ पे क्या होता है पता है रिलेशनशिप में अब मैन के पास पूरा बर्डन है कि आपको इनिशिएट करना है hmm. और लड़किया फिर एक्सपेक्ट करती है कि यार मैं नहीं करूँगी इन्हीं को इनिशिएट करने दो दिस क्रिएट्स मिस अंडरस्टैंडिंग दिस क्रिएट्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्योंकि आप एक दूसरे को बता नहीं रहे हो कि आप चाहते क्या हो जी. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार जो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है वो इनिशिएट करे हुँ। और यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है वो एनजाइटी और प्रेशर में बैठा हुआ है कि मैंने क्या करना चाहिए जी. ट so so पहला वाला जो हमने yeah, जी, 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 जी. और ये जो आपने virginity का भी मेंशन किया ये भी एक प्रॉब्लम है ही ना जैसे क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बुकिश नॉलेज है तो लड़के भी जब पहली बार इंडल्ज होते हैं तब मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस पाए हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर पहली बार इंटरकोर्स किया हाईमिन ब्रेक हुआ तो लड़की वर्जिन है पर <laughs> कई बार ऐसा भी होता है एंड करेक्ट मी फ्रॉम रॉन्ग यू आर दी एक्सपर्ट हियर कि देर आर वीमेन हु हैव बीन बोर्न विदाउट अ हाईमिन या राइट या 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 और इन फैक्ट पहले ऐसा होता कि ना लड़कियां एक जगह पे बैठती थी दे यूज्ड टू बी सर्टेन वर्क यू uh, नो you know, घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाना जी, घर के अंदर ही रहना पर अब अब ऐसा है कि लड़कियाँ भागती है दौड़ती है हॉर्स राइडिंग करती है स्ट्रेच करती है वर्कआउट करती है इस दौरान में भी अगर हाइमिन है नहीं है कब ब्रेक हो गया पता भी नहीं चलेगा सो so, ये बिल्कुल ये बिल्कुल बकवास है ऐसे सोचना कि यू नो हाइमिन ब्रेक हो गया फर्स्ट नाइट में देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग क्योंकि ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा ऐसे भी हो सकता है hmm. पहले ये चीजें नहीं होती थी पर अब ऐसा नहीं है आर इक्वली इक्वली यू नो या वो उन, उस लेवल पे है और कोई भी एक ऐसे चंचल लड़की है उछल कूद करती है प्रोबेबली वो होगा ही नहीं की हाईमिन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या 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 कब ब्रेक हो गया उसे भी समझा नहीं hmm, hmm, hmm.

आई डोंग I mean, if, if और लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं देन आई वु नो मोर अबाउट इट वो थोड़ा चुल है मेरे में कि मुझे जानना है हाँ. कि ये क्या है एंड वाइल्ड अप ऑल्सो आई यूज टू गो थ्रूड ऑफ आर्टिकल्स स्पेशली ये मुंबई मेरे में जो सा, सा, एक कॉलम आता, yes, आता था महिंद्र ये आई टू रीड दैट तो इवेंचुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है पर जितना मैं पढ़ने लग गई उतना मुझे समझ में आ गया कि यार ये भी कोई चीज है एंड यू नो और जब बात सेक्स और प्यार की आती है तो सोसाइटी उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है mm. पर लड़ाई करनी है तो सबके सामने करेंगे सो आई वॉज वेरी इनक्विजिटिव वेरी क्यूरियस एंड इवेंचुअली मैंने फिर सोचा कि यू नो आई वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट रोली की क्या है क्या नहीं है और मैंने बिल्कुल एकदम छोटे लेवल पर स्टार्ट किया कि यू नो फर्स्ट जस्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्टअप ऑन यू नो ब्रेकिंग मिथ्स हाँ और फिर मैं अपने ना फ्रेंड्स को भी उस टाइम पे एडवाइस वगैरह करती थी कि आ, आपने ऐसा करना चाहिए आपने वैसा करना चाहिए देन मुझे पता चला कि यार जितना नॉलेज मुझे इन लोगों को है ही नहीं इन लोगों को पता ही नहीं जी. है तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है इस सब चीज़ों के बारे में एंड देन अल्टीमेटली आई थिंक आई वॉज बोल्ड अनऑफ टू रियली टेक दिस अप बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ सेक्स एजुकेटर और एन एंटीमेसी कोच यर और एनी वेयर ग्लोबली यू शुड हैवे लॉड ऑफ गट्स एंड बोल्डनेस इफ़ अगर वो इफ़ दैट इज़ नॉट देर इन यू आपको बहुत हैम्पर करने वाला है पूरे जर्नी में जी बिल्कुल बिकॉज आई टॉक अबाउट सेक्स Uh, बहुत लोग सोचते हैं कि यू नो शी इज़ अवेलेबल उनको ये लगता है कि ओके लड़की बींग ओपन hmm. का मतलब ये नहीं है दैट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू यू ऑल दैट नो कम एंड बी विथ मी एंड लेट्स हैव सम फंड टूगेदर इसका मतलब ये नहीं बींग ओपन एज कि आपके थॉट प्रोसेस कितने ओपन है एंड यू आर नॉट जजिंग अदर्स इफ दे आर डूइंग सर्टन एक्टिविटीज सेक्चुअली वो कुछ भी कर रहे हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हेम्परिंग एनीबडी और कंसेंट है Ye. देन इट इज़ ओके पर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये सेक्स के बारे में बात करती है तो फिर वन शीज अवेलेबल नंबर टू मुझे ऐसे भी लोग बोलते हैं अरे आप सेक्स रोज़ करते हो क्या आप सेक्स टॉय तो यूज रोज करते हो क्या आपका बॉडी काउंट क्या है अच्छा ये पूछते लोग पूछते हैं बिल्कुल पूछते हैं आपका बॉडी काउंट क्या है मैं आपको कॉल कैसे करूँ मुझे ई मेल्स पे भी बहुत बार लिटरली uh, मैन अपना है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं कि यू कैन कॉल मी हो they judge a lot. yeah. Yeah, really कि अच्छा ये ऐसी अवेलेबल है और कुछ नहीं hmm. हॉरेबल सा सा है horrible, hmm. yeah. मैं भी उनको क्या ब्लेम करूं पता नहीं वो कहां से आए है कौन hmm. से थॉट प्रोसेस से आए है सो आई जस्ट लेट इट गो एंड आई जस्ट होप कि इवेंचुअली थिंग्स मे बी 10 इयर्स डाउन द लाइन इट विल बट इंटीमेसी कोच को या सेक्स एजुकेटर्स को इस तरीके से देखा जाता है कि ना बहुत डाउन करके देखा जाता है कि अच्छा शी इज टॉकिंग अबाउट सेक्स मतलब ये ऐसी ही है दिस इज कैन एक्चुअली से ये ऐसी है एंड प्लस आई विल टेल यू हैुकिंग गुड यू नो समेर आई वुड वॉन्ट टू लुक रही हॉट एंड सेक्सी करेक्ट राइट पर अगर ये फैशन इन्फ्लुएंस ने किया देन दैट इज नॉर्मल बिकॉज दे आर फैशन इन्फ्लुएंस बट बिकॉज आई एम अ सेक्स एजुकेटर मैंने ये किया तो वो गलत हो गया आई एम ट्राइंग टू शो ऑफ माई बॉडी दिस इज वॉट दे थिंक मतलब दिस इज डोंट यू हैव द राइट टू डू इट एग्जैक्टली दिस इज वॉट अच्छा इसका पेज ही ऐसा है ना इसका पेज तो बात करता है अबाउट सेक्स पीन वजाइनाज एंड किंग्स एंड एवरी थिंग सो दैट्स वाई दिस इज वॉट शी इज डूइंग बट

Every time she does feel a certain amount of pain. Okay. Uh, now, a lot of time pain is mixed or confused with pleasure. Okay. If some facial expressions, saying, maybe men don't understand at that point in time that this is not pleasure, she's experiencing pain. Uh, what should be done at this point in time to help women that they also really enjoy the process as much as the man is doing? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जो पेन लड़कियों को होता है इसे बहुत ईजी माना जाता है इट इज़ सम इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग दैट इज़ वेरी नॉर्मल बट इट इज़ नॉट और अब जाके ये हाईलाइट हो रहा है जी. ये प्रॉब्लम अब इन पेन के बिना डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं नंबर वन कि क्या ये आपको पेन इंटरकोर्स के दौरान बिल्कुल इनिशियली हो रहा है एंड लेटर योर ओके क्या ये तब हो रहा है नंबर टू हर पेनिट्रेशन के वक्त क्या आपको ये पेन हो रहा है बी इट पुटिंग टैम बी इट पुटिंग मैं कप इन साइड और अ पीनज गोइंग इन साइड अजाइना नंबर थ्री थ्रस्टिंग के वक्त यू ना थ्रस्टिंग के वक्त भी क्या आपको पेन हो रहा है आपके पेल्विस में hmm. या आपके सर्विक्स के आसपास हो रहा है नंबर फोर कुड भी कि क्या सेक्स के बाद भी आपको पेन हो रहा है लंबे समय के बहुत लोगों को ये भी होता है हाँ जी तो इट्स अ मतलब अलग अलग टाइप ऑफ पेन है टू डील विथ यहाँ पे तो ये कौन सा पेन हो रहा है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जो पेन होता है इसे कहते हैं इस कंडीशन को कहते हैं डिस्फोर्निया ओके यस नाउ दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन या ये हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से या ये हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस अगर बुरा रहा हो तो उस चक्कर में भी हो सकता है या पहले कभी किसी ने सेक्स एक्सप्लोर नहीं किया है उस वजह से भी हो सकता है देर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज वैजनिसमिस जी वैजनिसमिस यस वैजनिसमिस में क्या होता है कि एक लड़की को बहुत इस चीज़ का फ्यर होता है कि वजाइना के अंदर कुछ जा रहा है हमारा बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स है अगर आप डर गए अगर मैं डर गई तो मैं ऐसे कर लूंगी सेम वैसे ही होता है vaginismus, vaginismus में कि अगर कोई चीज अंदर जा रही है तो जो वजाइना के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इट वला नाउ दिस थिंग कुड बी एनी थिंग डॉक्टर आपको एग्जामिन कर रहा है तब का हो सकता है या आपका आ, हस्बैंड आपको नो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है हुँ. ये तभी भी हो सकता है या आप टैम्पॉन्स पहन रहे हो ये तभी भी हो सकता है वैजोनस का रीजन साइकोलॉजिकली होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओके इट इज साइकोलॉजिकल रीजन ओनली बट वो वही है कि डर इतना है कि फिर आपका जो मसल्स इतने जकड़ गए कि वो खुल नहीं रहे जी. तो ऐसे टाइम पे आई अगर कोई आई वुड वॉन्ट टू सजेस्ट पीपल कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है प्लीज रीच आउट टू योर डॉक्टर आपको सर्दी खासी हो गई तो आप डॉक्टर को पूछ लेते हो जी. पर अगर आपको जेनिटल्स में कहीं पे पेन हो रहा है थोड़ा भी ऐसा वैसा लग रहा है वाई नॉट रीच आउट टू डॉक्टर्स पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि पेन क्यों हो रहा है उसकी जड़ क्या है hmm. क्योंकि हर जड़ का अलग सोल्यूशन है नंबर टू यूज अ लॉट ऑफ ल्यूब्रिकेशन ओके हाँ जैसे मैंने बोला कि टेंडेंसी होती है लड़कियों में आई दर गेट वेट और दे डू नॉट गेट वेट सो ये लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए भी है कि ल्यूब्रिकेट ल्यूब्रिकेशन रखो यू नो यूज ल्यूब्रिकेंट अगर सेक्स फिर भी बहुत पेनफुल हो रहा है देन यू माइट वॉन्ट टू कंसिडर एक्टिविटीज जहाँ पे पेनीट्रेशन की बात नहीं आ रही है फॉर देट टाइम बिंगट टू अल्यूशन बाहर वाली चीजें करो औरल hmm. हो सकता है या किसिंग कटलिंग या कुछ और एक्टिविटीज yeah. करो देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज टेम्परेचर प्ले वेर एंड यू नो एक्चुअली यू कैन यूज आइस क्यूब्स ऑन द बॉडी या फिर हीट क्लॉथ लेके टच दे सकते हो इट्स अ डिफरेंट सेंसेशन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर आप वैसे कोई चीजें करो hmm. अगर पेनफुल सेक्स हो रहा है तो बट अ लॉट ऑफ वेमेन गो थ्रू इट एंड वो भी क्या करती है ना खुद को समझ लेती है कि ये नॉर्मल है जी वो रीच आउट नहीं करेंगे डॉक्टर के पास खुद-खुद में ही रखेंगे और अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि ये नॉर्मल है तो आपका हस्बैंड तो करने ही वाला है कंसिडर ये नॉर्मल है जी वाई नॉट एंड टॉक अबाउट इट टू समी कभी तो पेन इस वजह से भी सिंपली हो सकता है क्योंकि आपके पेल्व पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत टाइट है या स्ट्रेच नहीं किए गए हैं उस वजह से भी हो सकता है द रीजंस कुड बी मल्टीपल आपको जड़ का पता लगाना है जी, फिर उस पे काम करना है जी, और ये थोड़ा पोर्न पे भी हम ब्लेम डाल सकते हैं ना क्योंकि एक उन्होंने एक धारणा बना के रखी हुई है कि यू नो विमेन स्क्रीमिंग विमेन शाउटिंग तो they are just fun, में सब कुछ सब है। कुछ मैं नॉर्मल पेन तब वेरी लॉन्ग टाइम के वक्त hmm. तो अगर आपको स्लाइड पेन वो कुछ सेकंड्स के लिए हो रहा है राइट बिफोर एंटरिंग इनसाइड एंड फिर बाद में पेन नहीं हो रहा है दैट इज स्टिल नॉर्मल जी पर उसके अलावा अगर आपको यहाँ वहाँ कुछ पेन हो रहा है देन प्लीज टॉक टू आपका पीनेस साइज नॉर्मल से भी बहुत बड़ा है hmm. और अगर ये पेनीट्रेशन के वक्त सर्विक्स में hmm. हिट होने वाला है अंदर एंड इट कुड बी अ पेनफुल प्रोसेस फॉर दुमेन इफ यू आर चेंजिंग योर सेक्स पोजिशन मिशनरी से अगर आप डॉगी स्टाइल में चले गए mm. uh, डॉगी स्टाइल में डीप पेनिट्रेशन होता है mm. तो वो तभी भी उसको हिट होने वाला है सर्वेक्स के आसपास यू नो तो द लॉन्गर लॉन्गर एज ए नॉर्मल से भी अगर लंबा आपका पीनस साइज है इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ वन प्लस थोड़ा छोटा है mm. और उसकी गर्थ अच्छी है दैट इज स्टिल बेटर देन बींग लोंगो और लड़कों को फिर यही लगता है कि यार मेरा पीनेस साइज बड़ा नहीं है क्यों नहीं है हुँ. उनको उसके लिए दिन, दुनिया भर का स्ट्रेस होता है उस चीज़ को लेके कि मेरा पीनेस साइज शायद बहुत ही छोटा है या ठीक नहीं है हुँ. या इसमें कुछ प्रॉब्लम है पर एवरेज पीनेस साइज कितना है uh, इंडिया का इट्स अराउंड फोर टू फाइव इंचिस इरेक्ट पीनेस नॉट फ्लैसेड में बात नहीं करूँ स्टेट में इरेक्ट पीनेस ग्लोबली इट इज अराउंड सिक्स पर ग्लोबली भी एवरेज साइज हैीनस साइज का क्या है अगर यू नो गर्द भी है और वो छोटा भी है इट वुड स्टिल वर्क और अगर लड़कियों के वजाइना की बात करें वालवा की बात करें तो अंदर uh, जो जी स्पॉट होता है इज नथिंग नोन एज जी स्पॉट बट इसे कंसिडर किया जाता है बिकॉज दैट इज एन एरिया जो जहां पे हिट करेंगे तो लड़की को बहुत प्लेजर मिलता है जी. वो 2.3 टू 3 इंच अंदर है लाइक इंटरनल क्रिटेस इट जस्ट गोज लाइक द वॉल अबाउट हाँ वॉल अबाउव द वजाइना वो 2.5 3 इंचेस अंदर है और वहां पे भी हिट हो रहा है इट्स hmm. ओके okay. जी. तो अगर आपका पीनिस साइज भी 3 3.5 है इट्स फाइन hmm. क्योंकि वो उस एरिया पे तो हिट हो रहा है hmm. ना एंड इफ इन केस अगर पीनिस साइज में आपके इशू है यू कैन ऑलवेज यूज योर फिंगर्स यू कैन ऑलवेज यूज सेक्स टॉइस and this is also मैंने कहीं ये भी पढ़ा पीनिस एनलार्जमेंट सर्जरी भी होता है हाँ is it true yeah that's true

मेरा पीन साइज इज नॉट राइट और hmm. करेक्ट एंड दैट्स वाई मुझे इसको बढ़ाना है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे आई एम श्योर लॉन्ग टर्म एनी नेचुरल हाँ मतलब सर्जरी के सी सर्जरी कम्स विद ऑफ रिस्क तो अगर इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं तो ये हो सकता है कि दैट यू नो प्रबिलिटी है प्रॉबिलिटी hmm. है hmm. कि इवेंचुअली सेंसिटिविटी uh, ना रहे hmm. इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है यू yeah. नो you know, हाँ इवेंचुअली सेंसिटिविटी hmm. ना hmm. रहे नंबर टू कुड भी दैट अगर परफॉर्म सर्जरी परफॉर्म करते वक्त कुछ स्कार्स या मास्क या वो कुछ रह गए हैं दैट कुड भी विजिबल ऑन दैट ये इसका सेकेंड हो सकता है थर्ड कुड भी आई डोंट नो हाउ ट्रूज दिस टू बी वेरी ऑनस्ट आई डों राइट पर्सन टू रोली टॉक अबाउट इट बट मैंने फिर स्टडीज में ये भी पढ़ा है कि ऐसे भी कुछ केसेस रहे आ, कि पीनस के बाद इवेंचुअली उनको ईडी uh, hmm. भी हो गया है इरेक्टर डिस्फंक्शन भी हो गया है अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता है so, सर्जरी आप कर रहे हो इट डज कम विद ऑफ रिस्क है ना वो वैसा है पर डॉक्टर्स और A plastic surgeon would be able to answer this even better yeah. than me. As an intimacy coach, do you recommend it? No. Hmm. Why do you not recommend it? बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट आपके पीनस साइज मैटर नहीं करता है इतना सी देर आर वेमेन एंड आई नो सम वेमेन जिनके लिए पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी. बहुत मैटर करता है एंड ऑब्वियसली देर आर वेमेन एज वेल जो पीनस साइज़ को देख के जज करती है कि अरे इसका तो बड़ा है इसका hmm. तो छोटा है बट लव मेकिंग प्रोसेस में न अगर आपका पार्टनर आपको

रोल प्लेज कैन चेंज पोजिशन यू कैन यूज टॉयजोन बेस्टर टंगकेट क्या इंडिया में बड़ा है लॉर्ड ऑफ ब्रांड्स ऑलरेडी जो इंडिया में अब एग्जिस्ट करते है सेक्स टॉय के कंपनीज का या यू नो लीगली देखा जाए तो रूल यही है दैट इट शुडेंट बी ऑप्सिन इट शुडन शुडन बी पुट इन अ वे कि वो गंदा लगे वालगर लगे या वो ऑप्सिन लगे अगर आप प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह करके प्रॉपरली उसे सर्व कर रहे हो इन अ वे कि वो ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा है या बहुत पॉइंट आउट नहीं हो रहा है कि दिस इज़ अ सेक्स टॉय और दिस विल यू नो हेल्प यू दिस विथ योर प्लेजर दिस इन दैड और अजीब सी पिक्चरें वगैरह नहीं लगाई है इट्स स्टिल फाइन

देन देर इज ऑल्सो समथिंग पीनस पम्प तो ऐसे बहुत सारे सेक्स टॉयज है मैन के लिए भी बट दिंग इज आई थिंक मेन आर नॉट एक्सप्लोरिंग मोर वेन इट कम्स टू सेक्स टॉयज लड़कियों के पास मिल जाएंगे बट मैन आर स्टिल थिंकिंग कि मैंने बोलना चाहिए या बुलाना चाहिए या मैंने ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट इन सी दिस वर्क फॉर यू इफ इट्स वर्किंग फॉर यू गुड यू नो आपके पार्टनर के साथ भी यूज़ कर सकते जी. हो फिर ऐसा नहीं है कि आप, 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 आप अकेले में यूज़ करो इस बिल्कुल. चीज़ को बिल्कुल मैंने कुछ सेक्स टॉयज लाए हैं इफ यू वुड वांट टू सी वी लव मेन लव टू आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ मेन आउट देयर सो देयर इज दिस थिंग अह डू यू वांट टू सी इट दिस इज अ वाइब्रेटिंग स्ट्रोकर अह यहां पे अंदर पैटर्न्स भी है यू नो टू मेक अ मैन फील मोर प्लेजरेबल एंड आई थिंक या यू शुड जस्ट दिस इज अ वाइब्रेटर स्ट्रोकर ओके या पीनस हेड इसके अंदर जाएगा सो इट्स वाइब्रेटिंग ऑफ हो गया ठीक है ना इसमें कोई इसमें कोई भी बटन वगैरह कुछ नहीं है बट इसके अंदर आई डोंट नो इफ

के पास पार्टनर है सेक्स में कोई पाबंदी थोड़ी यूज करने के लिए यू कैन बी क्रिएटिव यूज़ यूज़ इट बिल्कुल बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि क्या जरूरत है करने की हमारे हमारे पास तो हमारे पास तो तो बॉयफ्रेंड है है गर्लफ्रेंड बट इट इज जस्ट अ वेरिएशन दैट यू आर एडिंग ये नहीं हो सकता और ये क्योंकि कुछ पार्टनर्स अगर लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ है थिंग्स विल हेल्प स्पाइस अप द रिलेशनशिप हो चाहे रोल प्ले हो रोल प्ले आल्सो इट इज सच आई थिंक रोल प्ले इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग जी जी मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि uh, ये सब थैंक्स टू द रिसर्च फॉर दिस पॉडकास्ट आई रेड अपेरेंटली नर्स इज द मोस्ट बॉथ रोल प्ले कॉस्ट्यूम इन इंडिया एंड इज ऑल्सो दोस्ट नर्स का कॉस्ट्यूम इज द मोस्ट बॉथ इन इन इंडिया ल होते हैं बहुत बहुत दैट इज ट्रूफ श्योर नर्स का इवन आई एम सरप्राइज थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन बट रोल प्ले में पेशेंट एंड नर्स जी ये रोल प्ले बहुत फेमस है देन स्टूडेंट एंड टीचर नर्स एंड डॉक्टर तो ये बहुत फेमस रोल प्ले है जो यू नो कपल्स परफॉर्म करते हैं and role play is fun because what really happens is when you go in that costume all together mm -hmm. it just spice things up yeah you yeah. know aap jo regularly kar rahe ho yeah. aapka jo ek rose ka pattern hai, usse aap break, ke, aap kuch aur rahe ho, and you're trying to pretend someone and you're trying to देता हैुम स्टार्स दिल दो मसाजर एंड मैन स्टार्टिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट कहीं बार कपल में इंसिक्योरिटी भी आ जाती है कि यार क्या मैं

इसमें वो गर्माहट नहीं है या वो फीलिंग्स नहीं है या आपको कडल नहीं करने वाला जी, जी, है यू नो इट इज़ गोनो गिव यू प्लेजर एंड देयर विल बी डिफरेंट वाइब्रेटिंग मोड्स हो या विच इज़ गोनो बी अ डिफरेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑल टूगेदर बट द एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग विद योर पार्टनर वो भी एक डिफरेंट फीलिंग है सो so, अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो या इनसिक्योर फील कर रहे हो प्लीज़ इट इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस अ न्यू थिंग इन द बेडरूम ऑल टुगेदर सो आपको इससे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है रादर आई वुड सजेस्ट दैट आप दोनों जब साथ में होते हो तब सेक्स टॉयज़ यूज करके जी, देखो आइदर ऑन एक दूसरे के ऊपर या खुद खुद के ऊपर एंड बी इन द द सेम रूम सी हाउ स्टीमी इट गेट्स या 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 आई मीन जस्ट यूज़ मेथड लाइक वी जरूरत नहीं है नो okay. no. mm -hmm. और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है टू यार्टनर इन जी जी कम्युनिकेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज ल्युबर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लास्टिंग लॉन्ग इज देर रिसर्च ऐसा कोई रिसर्च है जो ये कहता है कि इतने टाइम का सेक्स इज परफेक्ट याटेड है लेके सो एज फार एस आई रिमेम्बर एन इफ आई एम नॉट रॉन्ग पेनीट्रेटिव सेक्स सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स का टाइम होता है विच गोज़ फ्रॉम आई थिंक फोर टू सेवन मिनट्स दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल आपका एज यू नो आपका उस टाइम पे मूड क्या है क्या नहीं है आप क्या करना चाहते हो या आपको अभी बस थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है बट अगर हम ओवरऑल सेक्स की बात करें तो वो लंबा हो सकता है विच इंक्लूड्स पो प्ले ओरल प्ले स्लो सेक्स मतलब बेसिकली एंड देन इंटेंसिफाइंग एवरी थिंग एंड देन गोइंग इन टू पेनीट्रेशन एंड देन आफ्टर केयर वो लंबा हो सकता है विच कैन गो फ्रॉम ट्वेंटी मिनट्स टू वन आवर एंड इन सम रेयर केसेस जो मैंने भी सुने हैं वो दो घंटे तक भी जा सकता है hmm. पर पेनीट्रेशन का टाइमिंग बहुत कम है उस हिसाब hmm. से सो यू रोली डोंट हैव टू वरी अबाउट की यार मेरा एक घंटे तक तो क्यों नहीं हो रहा है पेनीट्रेशन hmm. जो आप पॉन में देखते yeah. हो बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू इट्स एग्जेजरेटेड फ़ोर टू सेवन मिनट्स के अंदर कभी भी यू नो पेडिटेशन का टाइम इतना हो सकता है दट्स एन एवरेज टाइमिंग अगर उससे भी थोड़ा कम है इफ़ इट्स गोइंग अप टू थ्री मिनट ऑल्सो बिकॉज टेक्निकली टू लास्ट लॉन्गर जो डॉक्टर नॉर्मली कंसिडर करते हैं अगर आप वन वन एंड हाफ मिनट से ज़्यादा पेनीट्रेट कर पा रहे हो दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल ओके से ज्यादा तो इसके आगे आप, आपका सेवन मिनट तक जा रहा है या पाँच मिनट तक जा रहा है इट इज स्टिल नॉर्मल ओके में कहीं और भी चीजें दिखाई जाती है जैसे uh, कई बार लगता है कि अनरियलिस्टिक हो सकता है जैसे है स्कूतंग ना इट्स इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग दैट यू सी बट वॉट इज इट इफ यू कैन एक्सप्लेन स्कूत क्या है और uh,

अब पॉन की अगर बात करें स्क्ोटिंग की hmm. तो वो आर्टिफिशियल स्क्ोटिंग होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड इट इज़ एग्जैजरेटेड एवरी थिंग इज एग्जैजरेटेड फ्रॉम टाइमिंग टू पीनेस साइज टू स्कोटिंग टू वाइटनिंग द बॉडी टू लुक लुकिंग ब्यूटिफुल सब कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते hmm. हैं पॉन में और अब स्क्वटिंग कब होता है जब एक फीमेल को बहुत एक्सट्रीम अराउज फील होता है एक्सट्रीमली दैट कैन हैपन थ्रू यू नो अ क्लिटोरल एक्सट्रीमलीट और सिंपली थ्रू अगर एक लड़की को सिर्फ अगर इफ आई कैन यूज दिस वर्ड अगर सिर्फ निपल को स्टिम्यूलेट करने से भी अगर उसे बहुत ज्यादा अराउस्ड फील होता है मे बी इवन दैट कैन गिव हर स्कूटिंग इट टोटली डिपेंड्स पर हर एक लड़की और गैजम और स्कूर्टिंग तक पहुंच पाए नॉट पॉसिबल और अगर स्कूटिंग जब होता भी है तो कहाँ से होता है फीमेल के थ्री मेजर ओपनिंग होते हैं वाल्वा में वन इज यूरेथ्रल, जहां से पी होता है सेकेंड इज वजाइनल जहां से पेनिट्रेशन होता है थर्ड इज एनल जहां से एनल सेक्स होता, होता है हाँ है। या करेक्ट वो होता है अब यूरेथ्रल ओपनिंग के पास में दो छोटी छोटी ओपनिंग्स है जिसे कहते हैं स्कीन्स ग्लैंड तो स्क्वाटिंग वहां से होता है एंड स्क्वाटिंग इज अ मिक्सचर लाइक इट्स अ फ्लूड व्हिच आल्सो इंक्लूड्स सम सॉर्ट ऑफ यूरिन इन इट एंड पॉन में जितना दिखाते हैं ना एकदम से बाहर आ गया लाइक शावर वैसा नहीं होता इट कुड बी वेरी मिनिमल वेरी मिनिमल एज वेल इट इज नॉट कि वो एकदम पी की तरह बाहर आ जाएगा इट कुड बी वेरी मिनिमल और थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है बट डेफिनेटली वे टू कम विच कैन एंड इट टोटली बॉडी एंड शीज फीलिंग हाउ अराउजली डिपेंड्स ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है बट ये स्कूटिंग होता है ऐसा mm -hmm. नहीं है ये होता ही नहीं है mm -hmm.

ये और ये दोनों क्या अलग चीज है? है ये so, um, किंक और में फर्क क्या है? अभी इन दोनों में मैं आपको फर्क बता देती हूँ बट देर इज वन मोर रोल प्ले विच आई गो टू टेल यू विच इज वेरी फेमस दैट इज बींग एन ऑफिसर

जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाहर है दैट इज किंग अनकन्वेंशनल फॉर एग्जाम्पल रोल प्ले यह हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है ना सोसाइटी ने इसे वैसे एक्सेप्ट किया है यू नो इज सिर्फ आके थोड़ा बहुत प्यार व्यार करके ऊपर से नीचे जाके यू डू एवरीथिंग एंड देट इज डन दैट इज अ वेरी कन्वेंशनल और मेन स्ट्रीमस या मोनाटोमस एक्टिविटी बट किंग्स कुड बी बी डी एस एम

वन एंडेडली बताया गया है दोनों के टूवर्ड्स नहीं बताया गया है कंसेंट दोनों के तरफ से चाहिए सो दे डोंट अप्रिशिएट हाउ इट्स बीन क्रिएटेड सो किंक इज बी डी एस एम रोल प्ले किंग कुड बी सेंसरी प्ले विच आई टोल्ड यू फॉर एग्जाम्पल यूजिंग आइस क्यूब्स और फेदर और टेम्परेचर प्ले सेंसरी प्ले मतलब वही होता है नाउ फेटिश इज समथिंग जिससे एक पर्सन को देख के फेटिश और यू नो सी माई पार्टनर सींग माई पार्टनर इन टू रेड कलर दैट इज माई फेटिश तो फेटिश ये है कि आपको अराउस्ड फील हो रहा है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करके आपको वही करना बहुत पसंद है एंड किंग ओवरऑल एक्ट जी ये फर्क है दोनों में जी सो आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन नेवल फेटिश एंड लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली कमेंटेड दैट दे हैव दिस फेटिश स्पेशली सीइंग अ वुमन इन साड़ी एंड इफ द नेवल इज विजिबल इट गिव्स देम अ हाई दे लाइक इट शो शो बट you think and again I don't know if this is the right question to ask or not but what do you think about this whole dating app culture and sex connected to it do you think dating apps has taken away the intimacy from sex and has just left it as sex dating apps see kiss which is pros and cons hmm. I'll start with pros yeah. people who want to experiment yeah. who want to fill their desire uh, probably who likes to be with you know different people at different times hmm. उनके लिए ये एक सही प्लेटफॉर्म है या सही अपॉर्चुनिटी है बिकॉज नाउ दे आर एबल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स इवन सेक्सुअली ठीक है अब इसके कॉन्स ये है कि ऑब्वियसली मैं इस बात से बिल्कुल मानूंगी कि डेटिंग एप्स के वजह से कहीं ना कहीं सेक्स को लेके जो एक एक्साइटमेंट या वो एक जो स्लोनेस है टू मीट दैट पर्सन यू नो टू

लोग इतने अवेलेबल हैं सेक्स के लिए बहुत सारे अब लोग इजीली मिल जाते हैं यू नो तो अगर मुझे इसके पास नहीं मिल रहा है ओके आई माइट एज वेल शिफ्ट टू समवन एल्स तो वो जो पूरा एक मजा है ना वो पूरा चला गया है दैट आई कम्प्लीटली अग्री बट द वंस हु वांट टू फुलफिल देयर डिजायर फॉर देम इट वुड वर्क नो जजमेंट्स हियर ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स नो जजमेंट्स हियर but do you think because of this and sex is so readily available since hookup culture is so popular do you think because of this um, sexually transmitted diseases are becoming very very common there is a as per national aids control organization 178777 people contracted hiv by unprotected sex between 2011 to 2021 in india yeah.

ऑब्वियसली अगर आपके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स है hmm. ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होने ही वाला है hmm. और अगर भले ही आपका एक ही पार्टनर है पर उस पार्टनर ने पहले कितने मज़े किए हैं है ना और पहले प्रिकॉशंस लिए हैं नहीं लिए हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है सो डेटिंग हुकअप कल्चर के वजह से भी ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों uh, इतना एस या एस स्प्रेड हो रहा है वेरी मच वेरी मच एंड ऑनिस्टली मैं बताती हूँ वेन आई कम अक्रॉस सर्टन केसेस पीपल डू नॉट यूज कॉन्डम दे डू नॉट प्रिफर यूजिंग कॉन्डम एंड देर आर सेट ऑफ पीपल जो एक्चुअली बहुत सीरियसली लेते हैं इस बात को बट लाइक देर आर अदर पीपल की यार कॉन्डम यूज करने से ना वो एक मजा नहीं आता है वो एक्चुअल रॉ फीलिंग नहीं आता देट्स वाई वीडोट यूज इट बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लेके आ रहे हो आपजैक्टली exactly, आप जी. क्या लेके आ रहे हो आपके पास वो पर्सन कहाँ से आ रहा है आपको कुछ मालूम भी नहीं है बट

आप हमेशा uh, STD, STI का एक पैनल टेस्ट आता है वो आप कर सकते हो sure. तो इसके साथ साथ फिर दूसरे टेस्ट भी आते हैं, एच आई हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ए, ह्यूमन पैपलोमा वायरस एच पी वी का भी आप टेस्ट करवा सकते हैं hmm. uh, लड़कियों के मामले में पैप्स में और टेस्ट होता है बेसिकली उससे पता चलता है कि Uh, अंदर कोई वायरस मौजूद है नहीं है या, या सर, सर्विकल कैंसर होने के चांसेस है नहीं है तो ये टेस्ट्स है रन करवा सकते हैं और uh, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं ना आप टेस्ट करवाइए हर छ महीने में जी. हर छः महीने में और अगर आपका एक ही पार्टनर है फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप टेस्ट करवाइए हर एक साल में अच्छा हर एक साल में हुँ. आप करवाइए देखिए बिकॉज I mean I don't want to be negative here, but we don't know. Yeah, yeah, of course, and somebody is ahead. In a couple, head. yeah, in a couple also, even वो monogamous relationship में है, hmm. but we really don't know कि सच में ऐसा है। You know the kind of cases I yeah. get nowadays, सच में ऐसा है नहीं है। You do tests and see कि दोनों clear है, know? जैसे कोई test ने आपको बहुत shock किया recently, uh, कोई real life case ने आपको shock किया recently. I mean. Uh, uh, I wouldn't want to really talk about it. This hmm. is about cheating. Yeah. Okay. But yeah, I do come across a lot of cases uh, wherein a lot of people are cheating a lot of people. Hmm. You know? So अगर ऐसा है तो आप मैं तो ये recommend करूँगी कि एक साल के बाद आप test फिर भी करवाइए. जी. See जी. that it's clear कि ताकि दोनों को problem नहीं हो क्योंकि long run में बहुत issue हो जाएगा. जी. कई बार मैंने ये भी पढ़ा है कि apparently अगर आप में STDs है

सम ऑफ देम आर बींग यू नो यूजिंग कॉन्डम्स सम ऑफ देम आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड देर आर मोस्ट ऑफ देम हुर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट सो आई मीन आई हैव कम अक्रॉस अ केस वेर एन अ वुमन टोल्ड यू नो द गायट अरे ये तो हर्पीज है ये तो नॉर्मल है बहुत तुझे पता नहीं है कि हाँ लेट्स जस्ट यूज अ कॉन्डम ना ऐसे मतलब इट हैज बीन टेकन दैट लाइटली लाइटली करेक्ट ऐसा नहीं कि ये क्योर नहीं हो सकता है बिल्कुल. है ना बट अगर जब तक आपको पता चलेगा hmm. या जब तक आपको वो सिम्टम्स बढ़ नहीं गए जी. तब तक आप पहुंच रहे हो डॉक्टर के पास फिर अब पता चले चल गया कि इनक्योरेबल है देन दैट्स अ प्रॉब्लम टू यू बिकॉज वी आर नॉट गोइंग एंड वी आर नॉट चेकिंग जी 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 क्योंकि हम थोड़ी देर पहले uh, बात करें तो स्पाइस अप द रिलेशनशिप इन साइड द बेडरूम देर इज समथिंग जो इंटरनेट पर बहुत कॉमन की आजकल वो है तंत्रा सेक्स mm. uh, अब कामा के शायद साथ शायद लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं पर ये अलग है सेम है क्या है ये बट हर हर चीज है ना कहीं ना कहीं कनेक्टेड कही है जी. You know? द गोल इज द सेम दाथवे स्लाइटली डिफरेंट बट ये कहीं ना कहीं सेम ही है बीट तंत्रा और बीट कामसूत्र तंत्रा के कुछ ऐसे प्रैक्टिस है जो कामसूत्रा में भी बताए गए जैसे की फॉर एग्जाम्पल मेकिंग यूज ऑफ योर फाइव सेंसेस कामसूत्र टॉक्स अबाउट और तंत्रा भी वही बात करता है

आई थिंक ये बहुत ह्यूज और वाइड है सो वॉट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट तंत्रा इज बिकॉज आई एम रीडिंग बेसिकली यू आर यूजिंग योर बॉडी एज अ टूल टू कनेक्ट विद द कॉस्मिक पावर ओके बेसिकली एंड तंत्रा मीन्स ड्रॉपिंग इन टू योर बॉडी बींग मोर अवेयर बींग मोर माइंडफुल ग्रोइंग पर्सनली एंड स्पिरिचुअली एंड तंत्रा अगर देखा जाए इट इज इंटरकनेक्टेड विथ एवरी थिंग बिकॉज तंत्रा स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग बीट योगा बीट मेडिटेशन बीट सेक्स सबके बारे में बात करता hmm. है तंत्रा तंत्रा okay. का एक मेन चीज़ है विच इज यू नो बी स्लो इन एवरी थिंग बी माइंडफुल बी प्रेजेंट एंड तंत्रा ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑर्गेजम दैट यू नो आपका जो ऑर्गेजम है दैट डजेंट गोल ओरिएंटेड या आपका सेक्स हैव टू बी गोल ओरिएंटेड इफ यू कैन होल्ड योर ऑर्गेजम एंड फील दैट इन टू यू ऑल टूगेदर दो सेंसेशंस इवन दैट मेक्स सेंस इन तंत्र और वो ऑर्गेनिजम होल्ड करके अगर आपको सर्टन ब्रीदिंग प्रैक्टिस या मेडिटेशन के थ्रू वो सेक्सुअल एनर्जी अगर आपको राइज करने आ रहा है वेल एंड गुड फॉर यू बिकॉज इन सब के अल्टीमेट चीजें क्या है टू यू नो कनेक्ट द कनेक्ट टू द सुप्रीम हाँ कनेक्ट टू योर इनर डिवाइन कनेक्ट टू यूर इनर कॉन्शियसनेस कनेक्ट टू द कॉस्मिक पावर टू द यूनिवर्स यू नो आप इस स्टेज पे आओ कि यू आर एबल टू मीट योर हायर सेल्फ जी इसका जी, ये अल्टीमेट मतलब है पर इसको लोग तरीके से भी देखते हैं ऐसी कुछ प्रैक्टिस हैं इसमें जिसको लोग समझते हैं कि यार ये क्या हो रहा है सी इफ देर आर सम पॉजिटिव साइड्स टू इट देन देर कुड बी नेगेटिव एज वेल क्योंकि जो

दो पार्टनर्स के बीच में आपको अगर इंटीमेसी क्रिएट करनी है तो कामसूत्रा भी ये बताता है कि यू डोंट हैचुर इंटीमेसी बिल्ड होने दो आपको कुछ एकदम से ऐसी करने की जरूरत नहीं है कि रश करने की जरूरत नहीं है कि यार अब मिल ली और अब कर लो hmm.

उनको बहुत प्लेजर फील होता है पी okay. स्पॉट कहाँ लोकेटेड है मतलब प्रोस्टेट कहाँ लोकेटेड है मेन के ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के थोड़ा और अंदर ओके हाँ रेक्टम के और एकदम इनसाइड वाले पार्ट में पी स्पॉट लोकेटेड है hmm. uh, और uh, अगर इसे ऑब्वियसली स्टिमुलेट किया जाए तो उनको uh, बहुत प्लेजर फील होता है नॉट एवरी वन अबाउट इट नॉट एवरी वन हैज एक्सपीरियंसड इट बट जिन लोगों ने एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है दे हैव लाइक इट क्योंकि के आस पास भी बहुत सारे नर्व एंडिंग्स है जिससे एक आदमी को एक्चुअली अच्छा लग सकता जी. है पर यहाँ पे पहुंचने के दो तरीके है इंटरनल दैट इज वन यू गो थ्रू एनस या वन यू गो थ्रू एनस रेक्टम एंड फिर आप बिल्कुल जेंटली मसाज कर रहे हो स्टिमुलेट कर रहे हो ताकि एक आदमी को प्लेजर फील हो दैट इज इंटरनली एक्सटर्नली इज पेरेम एक एरिया है यू नो टेस्टिकल्स और एनस के बीच का एक ब्लैंक एरिया होता है या yeah? तो yeah. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. so, फिर उसे मसाज कर सकते हैं क्योंकि उसके फिर ऊपर के लेयर में पी स्पॉट है तो so, वो इनडायरेक्टली वैसे हो जाएगा एंड देर आर आल्सो प्रोस्टेट मसाजेस एंड प्रोस्टेट टॉयज हाँ बट यहाँ पे ट्रिक ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट दिस बी वेरी जेंटल एंड बी वेरी वेरी स्लो ओके या पी स्पॉट को बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग ऑल टूगेदर एंड यू आर गोइंग थ्रू रेक्टिंग प्लस यूज अ लॉर्ड ऑफ ल्यूब्रिकेट हेयर क्योंकि एनज सेल्फ ल्यूब्रिकिट एरिया नहीं है जी. वो नहीं प्रोड्यूस करता है hmm. तो आपको uh, बहुत सारा ल्यूब्रिकेंट यूज करके ही एंटर करना पड़ेगा यूज ग्लव्स रादर

पुल आउट मेथड इज बेसिकलीट यू नो यू नॉट यूजिंग क्वान बट बिल्कुल इजैक्युलेन से पहले आप सोच रहे हो कि यू नो मैं इजैक्युलेट बाहर कर दूंगा आई वोट डू इट इन साइड दट इसकी भी कोई हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं है क्योंकि जो प्रीकम होता है जो यू नो प्रोड्यूस होता है वाइल है कि प्रीकम में भी स्पर्म्स हो ओके एंड इवन टॉकिंग अबाउट पीरियड्स और अबाउट पुल आउट मेथड अगर प्रीकम अंदर चला गया है तो स्पर्म्स यू नो यूट्रस के अंदर पाँच दिन के लिए ज़िंदा रह सकते हैं ओके okay. तो भले ही वो पीरियड्स हो या ना हो hmm. या पुल आउट मेथड यूज कर रहे हो पर अगर पाँच दिन के लिए यूट्रस में स्पर्म घूम रहा है और अगर वो पहुंच गया ओवरी के hmm. पास देन ऑब्वियसली प्रेग्नेंट होने के चांसेस है आउट okay. मेथड so की भी कोई हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं है आपको हो सकता है। huh. बट आप प्रेगनेंट नहीं हो सकते हो इसलिए आपको फ्लेवर कॉन्डम्स यहाँ पे यूज करना है डेंटल डैम्स यूज करने हैं, ग्लव्स यूज करने हैं लास्ट वन मास्टर वेट लॉस एंड पिम्पल्स मिथ है ना ऐसा बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आ, हाथ पे बाल आ जाएंगे अंधे <laughs> हो जाएंगे अच्छा अंधे हो जाएंगे वेट लॉस हो जाएगा पिंपल्स आ जाएंगे नॉट ट्रू इट्स अ मिथ नॉट ट्रू बट इज मास्टरबेशन हेल्दी सी अगेन आई विल से एनीथिंग डन इन मॉडरेेशन इज गुड जी एनीथिंग दैट इज गोइंग बियॉन्ड मॉडरेेशन इज नॉट गुड सो मास्टरबेशन का अगर मैं किसी को रेकमेंड भी करना चाहूंगी फ्रॉम माई पर्सनल परस्पेक्टिव एवल से इट इज नॉट बैड पर अगर ये आपके डेली hmm. रूटीन में अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको लग रहा है कि मुझे मास्टरबेट ही करना है या अगर आपको वो बार बार आ रही है कि यार सोल्यूशन यही है मुझे स्ट्रेस हो रहा है मैं करता। hmm. मुझे yeah. स्ट्रेस हो रहा है आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो

कुछ सीखने मिले कुछ जानने मिले लोग समझे सेक्स एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस इफ आई एम नॉट मिस्टेक एंड आई डोंट थिंक स्कूल में अभी भी बहुत एक्टिवली सिखाया जाता है सिखाया भी जाता है तो लड़कों को, को अलग रूम में लेके जाते हाँ। हैं लड़कियों को अलग रूम में लेके जाते हैं जो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट पीपल विल इवन इफ इट इट्स एन अ लाइट वे पीपल विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस Thank you. Thank you. Yeah. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community and listen notes.